भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय चका सहलोरी के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर मकर मिलन समारोह का आयोजन पूर्व विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीब दास के द्वारा किया गया, जिसमें बछवाड़ा विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा शिव प्रकाश गरीब दास, देखिए आइडिया सिटी की रिपोर्ट। ये पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबो के मन में जो भी अभिलाषा हो उसे ईश्वर जरूर पूरा करे। साथ ही साथ इस विद्यालय प्रांगण में स्थापित जिसे आदरणीय हमारे परम पूज पिताजी ने 1964 में स्थापना की थी, पंडित नेहरू जी की जो यहाँ ज्योति जल रही है, मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वनाम धन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जिनके द्वारा एक वर्ष दो वर्ष नहीं बल्कि लगातार 1965 से यह जो मकर मिलन समारोह आयोजन होता आ रहा है, आप सबों के प्रिय नेता दिवंगत हो चुके हमारे आदरणीय पूजनीय पिता जो तैल भी आपके सामने विराजमान हैं, उन्हें मैं उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने पूज्य पिताजी की इस पावन भूमि को, इस जन्म भूमि को, इस कर्म भूमि को, इस तपो भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने उन्हें सदा असीम प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि एक वर्ष नहीं दो वर्ष नहीं लगभग 50 वर्षों तक आप सबों के आशीर्वाद से पटना से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किए। मैं इस नव निर्मित मंच को, यह मंच नया बनकर आपके लिए तैयार हुआ, यह जो मंच पे आज मैं खड़ा हूँ, इस मंच पे ना जाने आप सब हमारे जन्म से पूर्व ही कितने महापुरुषों को यहाँ आते हुए और जाते हुए देखे हैं होइएगा। यहाँ पे राज्यपाल महोदय से लेकर के ना जाने कितने मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के नेता और अन्य दल के नेता को भी इस मंच ने देखा है और इस मंच का सौभाग्य है कि वो अपने नेता को गौरवान्वित किया है। और यह वह मंच है जिस मंच पे आपके प्रिय नेता अपने बाल के समय से लेकर के उन्होंने शायद इस मंच पे नाटक भी खेलने का काम किया था और इसी मंच से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और यहीं पे ऐसा कोई लोग बोलते हैं जीत की बात और हार की बात, यह आप सबों का गौरव था। और याद कीजिए, आप सबों को याद नहीं होगा, पिछले मकर मिलन समारोह के दिन आपके दूरदर्शी नेता ने आपको बोल दिया था, उसका भी मैं टेप आज या कल में हो सके तो YouTube पे डाल दूंगा। उन्होंने, आप याद कीजिए सहलोरी का वो प्रांगण, पिछले मकर मिलन समारोह का दिन उन्होंने क्या बोला था आपको याद होगा, तो उन्होंने बोल दिया था शायद कि हमारा समय अब सिमरिया जाने का आ गया है। याद कीजिए उनका लफ्ज, अगर याद जिन्हें ना हो तो ये याद कर लिए हो। और जो लोग हार और जीत की बात करते हैं वो लोग सुन ले, तुम गरीब दास को हराए हो, रामदेव राय को नहीं हराए हो। रामदेव राय वह शख्स है जो बछवाड़ा से विधायक बन के गया है, विधायक बन के गया है और टिकट भी कटा है, तो गरीब दास का कटा है, रामदेव राय का नहीं कटा। और जहां तक टिकट की बात है, जहां तक टिकट की बात है, मैं खुले मन से बोलता हूं, मैं भागी नहीं हूं, मैं कतई बागी नहीं हूं, मैं आला कमान का निर्देश का पालन किया। आज मुझे इस मंच से बोलने में ये गौरव होती है, जो हमारा आला कमान ने मुझे निर्णय दिया कि जाओ गरीब दास, तुम मैदान में कूद जाओ, तो मैं मैदान में कूद जाने का बात किया। इसीलिए कोई भी कतई भी किसी भी कीमत में गरीब दास को बागी समझने का भूल मत कीजिएगा, बिल्कुल भूल नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सबों को
बहुत ही देर से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ठंड का समय है। मैं आपका पुत्र होने के नाते, बेटा होने के नाते आप सबों से क्षमा प्रार्थनी भी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आप सबों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा और कुछ लोग ये सोच लिए थे कि इस बार का मकर मिलन समारोह नहीं होगा, परंतु मैं आप सबने जो मुझे दायित्व दिया है, जो हमारा है और जो मुझे शक्ति दी है और जो राम देवराय का जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए, और राम देवराय का सपने की बात से मुझे याद आती है कि ऐसा कोई सपना नहीं था जो राम देवराय जी का पूरा नहीं हुआ। वो हमेशा बोला करते थे जो बात सामने वो महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण और जो समय सामने वो महत्वपूर्ण, ये तीनों के अनुरूप उन्होंने काम किया। ईश्वर ने और बछवाड़ा की आम आवाम ने जब उन्हें जो भी शक्ति दी, जब वो शिक्षा मंत्री बनाने का सौभाग्य मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जब उन्हें सिंचाई मंत्री बनने का सौभाग्य मिला तो सिंचाई के क्षेत्र में काम किए, और बछवाड़ा का ऐसा कोई काम नहीं है जो काम उनके द्वारा अधूरा रह गया है, और जो काम अधूरा रह भी गया है तो उसकी नींव उन्होंने जरूर डाल के गई है बछवाड़ा के कण कण में। साथ ही साथ मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इस बात को आप सबों से ये करने में, और दुख भी हो रही है, दुख इस बात की हो रही है कि आज आपके आदरणीय नेता, आपके अभिभावक जिसे आपने इतना स्नेह दिया, वो आप सबों के बीच में नहीं है, परंतु हम और हमारे जितने भी बछवाड़ा के आम आवाम है, उन्होंने बोला था रामदेव राय जी के ज्योति को जिंदा रखने के लिए, उनके कर्मों को जिंदा रखने के लिए हम लोग एक ट्रस्ट रूपी संस्था बनाए। आज उसी ट्रस्ट रूपी संस्था का भी पदार्पण होने जा रहा है, जिसे मैंने 2 जनवरी को तिगड़ा में जाके अनुबंधित करा लिया हूँ। इस सामाजिक संस्था से पूरे बछवाड़ा ही नहीं, बेगूसराय ही नहीं, संपूर्ण बिहार में हम लोग को जो भी दलित, पिछड़ा, शोषित और कोई भी जाति और धर्म के लोग हो, जिन्हें हमारे संस्था से और हमसे जितना बन पड़ेगा, बछवाड़ा के कनकन से लेकर के बेगूसराय के कनकन से लेके मुझे जहां भी सेवा करने का मौका मिलूंगा, मैं जरूर से जरूर सेवा करूंगा और आप सबों के आशीर्वाद से सेवा करूंगा। कतई नहीं, मैं कतई घबराया हुआ नहीं हूँ चुनाव से और किसी भी परिणाम से, और मुझे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे साथ आप लोग जैसे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। आज हमारे गार्जियन अभय कुमार सार्जन जी यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह हमारा ये मंच नवनिर्मित है, अभी कच्चा है, साइड से रंगा हुआ है, शायद आप इधर कोना से एक इसको मारिएगा लात तो शायद ढह जाए, कल परसों ही मंच बना है। उसी तरह मैं अबोध होने के कारण, अनाथ होने के कारण, अभी बच्चा हूँ, बालक हूँ, इसी तरह हमारा मार्गदर्शन आप करने का काम कीजिए और आप जिला का नेतृत्व कीजिए, प्रदेश का नेतृत्व कीजिए। बछवाड़ा के लोग जिस तरह आदरणीय रामदेव राय जी आपको नेता मान के चला करते थे, हम सब भी आपको नेता मान करके चल रहे हैं और चलते रहेंगे, परंतु आप भी निश्चित रूप से अपनी मुकाम को हासिल करिए और किसी से भी डटने और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां कहीं भी गरीब दास को खोजेंगे, आप जहां कहीं भी बछवाड़ा के आम आवाम को खोजेंगे, आप आवाम आपके पीछे हमेशा चलने के लिए तैयार है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, लोग कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारा टिकट कतई नहीं काटा है। वैसे लोगों ने हमारा टिकट काटा है जो लोग रामदेव राय से दुश्मनी पाल रखे थे, जिन्हें रामदेव राय से एलर्जी थी, उनकी कीर्ति से एलर्जी थी, उनकी महत्वाकांक्षा से एलर्जी थी। गरीब दास तो मात्र 26-27 साल का युवक, कल ही बस 3-4 वर्षों एक संगठन के द्वारा आपके बीच आया और आपने जो उसे आशीर्वाद और इतना स्नेह इतने कम समय में देने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबों का ऋणी रहूंगा। और बछवाड़ा के आम आवाम से भी अपील करूंगा, आप कतई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और विधायक हीन महसूस नहीं करें। मैं विधायक नहीं रहते हुए भी और सदन में गया नहीं गया, फिर भी निश्चित रूप से आप सबों का सेवा करता हूं और करता रहूंगा। हमारा तन, मन और धन पूरी तरह आप सबों के बीच समर्पित है। आप देख लीजिए जो आपके विधायक जी ने ITI के लिए 3 बीघा जमीन देने का काम किया था,
कुछ ही दिनों में वो ITI इंदिरा ज्योति में शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र को इंस्टीट्यूशनल हब बना के रखूंगा और हमारा जो कोई भी है, हमारा घर है, दरवाजा है, पुस्तकालय है, वो आप सबों के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जब कभी भी आए उसमें अध्ययन करें। उसमें कंप्यूटर लगाने जा रहा हूँ युवाओं के लिए, आम आवाम के लिए, हमारा सर्वस्व बछवाड़ा के लिए न्यूछावर है और न्यूछावर रहेगा और कतई किसी चीज से डरने वाला और झुकने वाला नहीं हूँ। टिकट की बात करने वाले आप जान जाइए, मैं कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि मैं रामदेव राय का बेटा हूं, मैं कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ तीन तीन महापुरुषों की ज्योतियां जलती है, मैं कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि मैं एक कांग्रेसी हूँ। नहीं तो लीजिए मंसूर चक के लोगों से, बछवाड़ा के लोगों से, और भगवानपुर के लोगों से, पटना डेरा पे हमारा टिकट लेकर के क्या लोग तैयार नहीं बैठे हुए थे? अन्य पार्टी के पूछ लीजिए, दो दिन तक हमारा इंतजार किया गया, परंतु मैं रामदेव राय के औलाद होने के कारण और एक कांग्रेसी होने के कारण और जो हमारे यहाँ ज्योतियां जलती है उन ज्योतियों की रक्षा के कारण हमने निर्णय लिया कि परिणाम जो कोई भी हो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मैं स्वाभिमान के साथ और बछवाड़ा के स्वाधीन के साथ मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता और बछवाड़ा के अभिमान को किसी भी सूरत में झुकने नहीं दूंगा और रामदेव राय की कीर्ति और कमाई को कभी भी किसी भी सूरत में झुकने नहीं दूंगा। आज आप देख लीजिएगा, जो लोग रामदेव राय जी की दिया को बुझाना चाहते हैं वो कान खोल करके सुन लो। बछवाड़ा विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड भी देखोगे तो 140 सड़कें देख लो, यहाँ से गुजरिएगा तो कण कण में बसे हुए उनके द्वारा खोला गया पुल, पुलिया, विद्यालय, महाविद्यालय, हर कोने कोने में, हर तबके में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में रामदेव राय विराजमान हैं और रामदेव राय अमर थे और रामदेव राय अमर रहेंगे। इसकी मैं आप सबों से एक और गुजारिश करूंगा, बिल्कुल हमारी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें। हमारी चिंता तो आप लोग ने उसी दिन दूर कर दिया कि जिस समय जो अभी बछवाड़ा विधानसभा में लगभग 40,000 मतदाताओं ने मुझे सम्मानित करने का काम किया और मुझे गौरव देने का काम किया है। कौन सा ऐसा लाल बिहार में देख लीजिए, आज आप सबों के आशीर्वाद से निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी बिहार में मैं 5वें स्थान पे था। कल और परसों का भी तापमान मैगजीन उठा करके देख लीजिए, आप सबों के गौरव से हमारे बारे में उसमें विश्लेषण छापा गया है और ऐसा कोई दिन नहीं है आप सबों के कृपा से कि बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के लोग हमसे राजनीतिक रूप से संपर्क नहीं करते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, विधायक नहीं हूं तो क्या हुआ, आप सबों को कभी भी विधायक की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आज का ही वह दिन है, आज भी कार्यक्रम से पूर्व आपके सम्मान में, आपके आदरणीय विधायक जी के आदर्श से हमारे दरवाजे पे दो विधायक जी आए और भोजन करके गए, इसीलिए विधायक की कमी आप लोगों को कतई महसूस नहीं होगी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और आप सबों का जिस तरह से निष्पक्षता के साथ आपके नेता आदरणीय रामदेव राय जी आप सबों का सेवा करते रहे हैं, मैं भी निश्चित तौर पे आप सबों का उसी प्रकार सेवा करता रहूंगा। साथ ही साथ आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत ही कम समय में, कड़ाके की ठंड में आप सभी लोग दियारा से लेकर के यहाँ तक के लोग जो यहाँ पे हमारे आरजू पे, हमारे बिनती पे आए हैं, उसके लिए मैं आप सबों का कृतज्ञ रहूंगा। आपके बेटा होने के नाते आज के कार्यक्रम में एक तरह से हमारा प्रथम इस कार्यक्रम में अगर हमसे कोई भूल, हमसे कोई गलती, प्रबंध में कोई कमी, मंच में कोई कमी, हमारे बहुत सारे नेताजी, मुखिया जी लोग को देख रहे हैं अभी भी उधर खड़े हैं, उन्हें मंच पे आना चाहिए था, बैठना चाहिए था, समय के अभाव में बहुत लोग नहीं बोल पाए, मैं आप सबों से माफी चाहता हूं, क्षमा कर देंगे। बिल्कुल आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों की गौरव को, रामदेव राय के गौरव को और बछवाड़ा के इतिहास को कभी भी झुकने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। और हम लोग जिस प्रकार क्षेत्र में थे,
क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जो भी हमारे नेतागण ने मुझे दायित्व दिया है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपको ये मैं इसके लिए मैं आप सबों का सदा ऋणी रहूंगा और अपने तन मन धन से आपका दिया हुआ आशीर्वाद को और आपके दिए हुए जिम्मेवारी को मरते दम तक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय बछवाड़ा की जनता, जय मकर मिलन समाज। सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन, ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com।